कॉन्ग्रेचुलेशन भाई पेप, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, कैसे? बढ़िया, सब बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली, दिस से कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तुम क्या बोलोगे और तुम और कुछ बोल सकते नहीं भाई, क्या बोलोगे? अगर तुम देखो ब्रूनो की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस एफ ए कप फाइनल में, दिस इज नॉट अ फ्रेंडली गेम या फिर प्रीमियर लीग गेम भी एक तरह को, दिस इज एक ट्रॉफी, एक आखिरी गेम सीजन की यूनाइटेड के लिए ऑब्वियसली, एक ट्रॉफी वाली गेम जो भी, ठीक है? चेल्सी सिटी कितनी बढ़िया टीम हो, वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम हो, अगर तुम पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो टेन हैग की, ब्रूनो की, हर एक यूनाइटेड प्लेयर की, उन्होंने यही बोला भाई कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन मैन सिटी को, पेप को उन्होंने यही बोला। ब्रूनो इतना बड़ा वॉरियर बनता अपने आपको, जो है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल वॉरियर है वो, फाइट करता सब कुछ हरकतें करता है। ब्रूनो ने पोस्ट मैच बोला कि हम क्या कर सकते हैं, और हमने अच्छा करा भाई, हम और कुछ नहीं कर सकते, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम कंगले हैं, दिस इज ये, हम नहीं कंपीट कर सकते, हमने जो कर दिया कर दिया, ये बेस्ट टीम प्लेनेट अर्थ में, वी कांट डू एनीथिंग। मैं एक्ट नहीं कर रहा, मैंने लाइक एक तोड़ टीम की, एक हिस्टोरिकल टीम की पहचान ये है कि लॉन्डे फाइनल हारने के बाद भी उस टीम की वही तारीफ ही करेगी, भाई कोई बात नहीं, ये तो सिटी है भाई, क्या करे भाई, ये तो सिटी है, दिस इज सिटी, वी कांट डू एनीथिंग। ये हरकतें हो रखी है। टेन हैग लिटरली बोल रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई वी आर द ओनली टीम जो कंपीट कर पाए सिटी से इस सीजन, ये बोल रहे हैं लॉन्डो, दैट्स क्रेजी। सिटी लाइक तुम फाइनल हार गए बट तुम इतने प्लॉडेट्स तब भी उठा पा रहे लॉन्डो, इट्स क्रेजी लॉन्डो, ये पेप ने क्या उखाड़ दी लॉन्डो, इट्स क्रेजी। लाइक अगेन अब तो पूरा जब तक अगला सीजन स्टार्ट नहीं होगा हर कोई पेप की चाटे गए, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, दबा दबा के वीडियो बनेंगी, वो सब हरकतें होंगी ऑब्वियसली, मैं तो मिल्किंग करूंगा दबा के, उनको पता ऑब्वियसली, सब अंडरस्टैंडेबल है, सब पता है, वी ऑल आर विटनेसिंग इट, हर किसी को पता है। पेप ने 14 सीजन में 34 ट्रॉफी जीत ली, टू विन 34 ट्रॉफीज 14 सीजन में, अगर वो 6 सीजन और कोचिंग करेगा, इफ ही कोचेस फॉर 6 मोर सीजंस, जो आराम से सिटी में कर लेगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो सर एलेक्स फर्गसन का रिकॉर्ड तोड़ देगा इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ट्रॉफीज एक मैनेजर की, वो तोड़ देगा, वो 2.42 ट्रॉफीज पर सीजन जीत रहा है लॉन्डो, दैट्स शट अप, कम ऑन, देयर इज नोबडी कंपीटेड, वो तो पॉइंट खत्म हो चुका है, कुछ बोलने को है नहीं, दिस इज द बेस्ट टीम प्लेनेट अर्थ में, कुछ बोलने को है नहीं। बट पता है, मैं एक्ट नहीं कर रहा, फर्स्टली आई विल कांग्रेचुलेट टेन हैग, काबिले तारीफ था, और कुछ तुम कर सकते थे? यूनाइटेड के पास दो तरीके, या तो बिल्कुल मैन टू मैन सिटी पर चढ़ जाती बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनल है, क्योंकि हम वेम्बली में, वी हैव टू डू इट, आखिरी गेम ऑफ द सीजन। लॉन्डे काफी बोल रहे थे कि यूनाइटेड शुड गो बिल्कुल मैन टू मैन, बिल्कुल अग्रेसिव टू सिटी, हमें कॉम्पनसेट नहीं करना, बिल्कुल मैन टू मैन जाओ, वो सब हरकत है, ये पूरी अप्रोच लॉन्डे बोल रहे थे। पर टेन हैग था स्मार्ट, उसे पता कि उसका एंटनी इंजर्ड है, हाई लाइन खेलने के लिए थी, लिजांद्रो ये सब लॉन्डे आउट। टेन हैग ने पूरी गेम खेली अंडर लोड में, पूरी गेम खेली अंडर लोड में, 6v4 था बिल्डअप में, उसने दो बंदे एक्स्ट्रा रखने दिए मैन सिटी को, रख ले भाई, तुम्हारा सेकंड चॉइस गोलकीपर, ओ माय गॉड, स्टीफन ऑटे, सेकंड चॉइस गोलकीपर, यहां पर तो फर्स्ट चॉइस डहया भाई, ये तो हरकत है, ये तो चीटिंग नहीं हो गई, ये तो फुल। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस विंडो में यूनाइटेड ने ज्यादा पैसा फेंका देन मैन सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हालैंड 60-70 मिलियन का था, ऑर्टेगा फ्री में आ गया, समझ रहे हो? तुम नहीं समझ इस बात को, तुम नहीं समझ रहे भाई, डहया भी फ्री में ही तो है, डहया भी तो फ्री में ही है, अब घर जवाई तो है, कोई बात नहीं, कही उसने पूरी गेम निकाली अंडर रोड की, तुम 64 कर लो, हमारे पास ब्रूनो, सांचो, रैशफोर्ड, एरिक्सन है, और एरिक्सन बहुत बड़ा स्केपगोट बना, एरिक्सन की गेम नहीं थी, पूरी गेम देख रहे थे, मैं भी नहीं कर रहा, जब पहले रैशफोर्ड प्रेस कर रहा था ना, क्योंकि अगेन उनके बिल्कुल टू नैरो, बिल्कुल वाइड थ्री खुले पड़े, गोलकीपर ऑब्वियसली, सिटी अगर बिल्डअप पे विड्थ ले रही है तो वो गोलकीपर को यूज कर रही है, और बैक फोर बना रही है ऐसे, बिल्कुल वॉकर दूर, बिल्कुल अकांजी दूर, जो दोनों तोड़ है ऑब्वियसली, कोई चिंता वाली बात नहीं, तो बिल्डअप पे बिल्कुल विड्थ, एंड यूनाइटेड पूरी नैरो, उन्होंने पूरा सेंटर प्रोग्रेशन रोक रखा है, रैशफोर्ड बिल्कुल ऊपर प्रेस करने जा रहा है, एंड ऐसा यूनाइटेड सिट बैक कर रही है, वो प्रेस भी कर रही है, एक बहुत ही बैलेंस्ड फियर वाली प्रेस थी, कि हाँ उनको प्रेस भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, समझ रहे हो, काफी बैलेंस्ड प्रेस थी, एक अच्छी अप्रोच थी यूनाइटेड की, बहुत तगड़ी अप्रोच थी विदाउट द बॉल, दे डिड वेरी गुड। अगर सिटी ने सिर्फ पांच शॉट्स मारे ना इन द बॉक्स पेनल्टी, तो बहुत बढ़िया भाई, यूनाइटेड क्रिएटेड मोर एक्सजी, सब बढ़िया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जेन्युइनली दो सिटी आराम से उनको खोल पा रही थी अगर उनकी मर्जी हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि लॉन्डे बोल रहे कि सिटी सेकंड गियर में थी, वो सब हरकत है, ट्रू है भाई, बिल्कुल मे भी होगी, अब तो पेप गार्डियोला फुटबॉल कंट्रोल करता है, तुमको पता है ही कंट्रोल्स फुटबॉल, वी ऑल नो इट, अब तो रिले भी बन रही है, मैं बता चुका हूं, बट स्टिल
बहुत ही अच्छा प्लान, बट जब भी बॉल जा रही थी वाइड और बॉल आउटसाइड टू इनसाइड आ रही थी, तो एरिक्सन को जो वो करता फॉलो बैक, उसमें एरिक्सन की इंटेंसिटी खत्म थी, खत्म, डेड। और एरिक्सन की गेम नहीं थी, इट वॉज नॉट एक एरिक्सन की गेम जो दिख रहा था। आई नो अगेंस्ट सिटी यू कांट एक्सपेक्ट विद द बॉल क्वालिटी, मतलब यू एक्सपेक्ट कि एरिक्सन एक स्प्लिट सेकंड में गेम को खोल दे, तुम ये एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि यूनाइटेड ने कोई भी विंगर नहीं खिलाया। अगर तुम देखो यूनाइटेड की विड्थ, उनके फुल बैक सारे थे, उनके सारे बंदे कॉम्पैक्ट, सारे बंदे विद द बॉल भी, टेन हैग स्मार्ट था, क्योंकि अगर तुम विद द बॉल खुल जाओगे ना, विद द बॉल अगर उसने बिल्कुल सांचो वाइड कर दिया, ऐसी हरकतें कर दी, और फिर यूनाइटेड ने बॉल लूज करी, तो वो रिगेन करने के लिए ब्लॉन्डे दूर दूर है, नहीं तुमको सब पास पास ही चाहिए, सिंपल। टेन हैग ने बिल्कुल स्मार्ट गेम खेली, मैक भी नहीं कर रहा भाई, विद द बॉल विदाउट द बॉल इट वॉज परफेक्ट। एंड वेन यू प्ले विद 10 मैन, कम ऑन, जब तुम 10 मैन के साथ खेल रहे, यूनाइटेड वर प्लेइंग विद 10 मैन, हर किसी को पता ऑब्वियसली, दहेया मैक नहीं कर रहा हर किसी। अगर अगर टेन हैग मुंह पे आके फिर से बोलता ना, क्योंकि टेन हैग फिर से बोल रहा था कि दहेया का बहुत तगड़ा सीजन गया, गोल्डन ग्लव, क्लीन शीट, वो सब हरकतें, अगर वो फिर से आके इस अगले सीजन इस गोलकीपर के साथ खेलता है, टेन हैग चूतिया, मैं मैक नहीं कर रहा, और कुछ कर सकते नहीं तुम, यू कैन डू एनीथिंग एल्स, तुम और क्या करोगे। टेन हैग मुझे लगता है कि टेन हैग स्मार्ट एंड वो मैनिपुलेशन कर रहा है, ही कांट पॉइंट फिंगर्स एट दहेया, ऑब्वियसली कांट डू दैट, चाहे वो कितना स्ट्रिक्ट कोच हो, अब उसको सेकंड चॉइस कर देगा, एंड आई थिंक उसको कर देना चाहिए, ये गेम प्रूव करती है यूनाइटेड में इतना पोटेंशियल है, इस कोच में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल, ये गेमों को रीड करता है, ही कैन मैनेज गेम्स वेरी वेल, इसके सब्स्टिट्यूशन समथिंग टॉप नॉच है, गर्नाचो का सब्स्टिट्यूशन, लॉन्डे बोले गर्नाचो को खेलना चाहिए था, सही था, मतलब आई अंडरस्टैंड की टेन हैग की अप्रोच क्या थी, मैं समझ सकता हूं क्या बकचोदी थी, पर अल्टीमेटली वाज अ गुड अप्रोच भाई, सब कुछ बढ़िया था, मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह स्टोन्स को न्यूट्रलाइज करा, वही फ्रेड और कासेमिरो गुंडोगान और डिब्रोने को मार्क कर रहे थे, दो सेंटर बैक्स हालैंड पे, इट वाज वेरी मटेड वाला प्लान, वही हरकत है, लाइक इट वाज सिंपली वाला प्लान। अब इस गोल पे आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो कॉर्नर गया सबसे पहले दहेया पे, तो आईएम अग्रीड कि उसकी पोजीशनिंग, जैसे बॉल मूव करते हैं गोलकीपर को भी मूव करना पड़ता है, हर किसी को पता है, उसको बॉल को फॉलो करना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट कहता है, लाइन ऑफ साइट कि क्या बॉल तेरी लाइन ऑफ साइट पे है, वो बकचोदी, तो वो शिफ्ट करेगा ताकि वो सेट पोजीशन पे टू मेक दैट सेव, ठीक है। दहेया को बहुत डाइव मारनी पड़ी उस सेव के लिए, लॉन्डे बोल रही है ये सेव दहेया ने टफ कर दिया, ये इतना इजी था नहीं अगर वो राइट टाइम पे मूव करता तो। दहेया ने क्या करा बेसिकली, क्योंकि एक बार तुम देखो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड की इस चीज में, तीन बंदे दहेया के राइट पे, ठीक है, सिटी का कोई वैन बिसाका जहां पे खड़ा ना वहां पे कोई बंदा नहीं, वाई इज वैन बिसाका इतनी पीछे, मुझे समझ नहीं आया वैन बिसाका ऊपर क्यों नहीं है, वो बिल्कुल लेट ऊपर जाता है, पूरी पोजीशन खराब हो गई, सिंपल, क्या करोगे। अगर दहेया के राइट पे तीन बंदे हैं और दहेया ने मिसजज कर लिया, बेसिकली उसने मिसजज कर लिया, सिंपली उसने लेफ्ट की तरफ एक कदम ले लिया जिसने उसको और लेट कर दिया, फिर वो राइट पे डाइव कर रहा है, उसने लेफ्ट पे कदम इसलिए लगा क्योंकि उसकी लाइन ऑफ साइड बिल्कुल ब्लॉक थी, सारे बंदे उसके सामने हैं, तीन बंदे उसके राइट पे हैं, और वैन बिसाका इतनी पीछे खड़ा है, पता नहीं क्यों, ग्रीस तो वहां पे, जो भी बंदे हैं वहां पे खड़ा है, और लाइक उसके पास गए नहीं, लाइक पोजिशनिंग यूनाइटेड की सेट पीस पे वाज बैड, ठीक है, एंड दहेया लेफ्ट पे जंप कर गया एज अ कॉन्सिक्वेंस। आई एम नॉट टोटली ब्लेमिंग दहेया गोल, लाइक आई एम ब्लेमिंग दहेया ऑब्वियसली, बट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड के सेट पीस की वॉज वेरी बैड, लाइक पूरे वो फॉली अगेन, या तो ये गोलकीपर की कॉल है, अगर सेट पीस होता तो गोलकीपर कॉल करता ना भाई, ये देख ग्रिलिश वहां पे, वैन बिसाका ग्रिलिश वहां पे, करा नहीं होगा मुझे, लाइक मुझे पता नहीं भाई, ये तो पता है, ये बोलने में शर्म आती है सिर्फ, समझ रहे हो, एक गोलकीपर कोच यूनाइटेड क्लब में इतना बड़ा प्लेयर है, समझ रहे हो, ये चीज तो ऑब्वियसली पता होगी भाई, ये तो ऑब्वियसली पता ही होगा, या तो मैं भी ग्रिलिश मूव कर गया एंड में, आई डोंट नो भाई, बट एक्चुअली गोल खाया, लाइक अगेन भाई दहेया स्केप गोट नहीं है, मतलब मैं तो गोल को ब्लेम कर भी नहीं रहा, मैं नहीं ब्लेम कर रहा भाई, मैं नहीं ब्लेम कर रहा, गंदे गोल खाए, फर्स्ट गोल वो सब, मैं नहीं ब्लेम कर रहा, विद द बॉल वो 10 मैन है यूनाइटेड, तो क्या करोगे तुम क्या करोगे। यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में लंबी मार रही थी, तुमको याद हो, अगेंस्ट अकांजी, अगेंस्ट वॉकर, अगेंस्ट डियास, स्टोन्स, कोई पॉइंट थोड़ा ना, क्या पॉइंट है, या तो तुम वेगोस खिलाओ, तुम लंबी क्यों मार रहे हो, सांचो वर्सेस रूबन डियास कराने के लिए कोई पॉइंट है, तुम लंबी मार रहे हो, दहेया से बॉल चलती नहीं ऑब्वियसली, प्लस सिटी की प्रेस इतनी खतरनाक है कि अगर तुम देखो सिटी डोंट लेट ऑपोजिशन टर्न, बर्नार्डो शॉ के इतने पास होते हैं, उसी गुद्दी के पास इतने स्मेल ले रहा होता है कि वो ही कैन टर्न, एंड टेन हैग अल्टीमेटली बिल्डअप कर रहा है विद वरान, विद लिंडलॉफ, विद कासेमिरो सीडियम, अगेन कासेमिरो बढ़िया, बट वो बॉल प्लेइंग वाले बंदे नहीं है जो बिल्कुल बॉल रिटेंशन लेके बॉल, ऐसा बंदा है नहीं वो, सिंपल, तो तुमको गलीज गेम ही खेलनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तुमको गेम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से टेन हैग डिड स्टुपेंडस, मैं मैच भी नहीं कर रहा। अब ऑब्वियसली उसको अगली विंडो में करना पड़ेगा क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं, यू हैव टू साइन तुम्हारी पोर्टफोलियो के प्लेयर्स। मैंने सुना कि कौन अपना टिम्बर मैच देखने आया था वेम्बली में, टिम्बर को साइन कर लो,
कर लो भाई, कुछ है नहीं, कर लो, तुमको चाहिए हो बिल्कुल। मैं मैच नहीं कर रहा भाई, अगर अगर यूनाइटेड ने लॉन्डे बुलाया, ही इज अ गुड कोच, ये तो प्रूव हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना अभी रिसेंटली वीडियो बनाऊंगा स्टोन्स के रोल पे, स्टोन्स गुंडोगान या कुछ बोलने की नीड है, क्या बोल रहे हैं, ये तो पूरा महीने चाटेंगे ना हम तो, अब तो चाटते ही वाले, क्या कुछ बोलूं सिटी के बारे में, क्या बोलूं, बात मैं हर वीडियो में यही बोलूं कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या कुछ बोलने को नहीं है भाई। लाइक सबसे पता मेन हरकत है क्या, लॉन्डे बोल रहे कि हालैंड का था, हालैंड तो अगेंस्ट मैड्रिड भी वो घोस्ट कर गया, आज के गेम में भी घोस्ट कर गया, उसके 35 टचेस थे, उसने कुछ करा ही नहीं, सेम ओल्ड डिस्कशन। अगर हालैंड की बुरी गेम जा रही है तो गुंडोगान भी आगरा है, डे ब्रुयने भी आगरा है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वाइट सेंटर बैक अकांजी, हर कोई आगरा, स्टोन्स हर कोई आगरा, बिल्कुल। हालैंड इज द मेन ऑर्केस्ट्रेटर व्हेन इट कम्स टू पूरी पिन चीज को पिन करना, वही डेप्थ दे रहा है, वही दो सेंटर बैक्स को एंगेज कर रहा है विदाउट इवन टचिंग द बॉल, वो डिफरेंस बना रहा है। लॉन्डे क्यों इस बात को नहीं समझ रहे, स्टोन्स मिडफील्डर है भी नहीं, बट स्टिल भी वो बेस्ट मिडफील्डर प्लैनेट अर्थ में, ये है वही सिटी, दिस इज सिटी, दिस इज पेप्स एरा, ये है फुटबॉल हेरिटेज पेप की लॉन्डो, हम जी रहे हैं, ये लॉन्डे हम जो देख रहे हैं इस टीम में, इन सबके स्टैचू लगने वाले हैं एटिहाड में, सिंपल, दैट्स द ट्रुथ। डबल जीत चुके हैं, ट्रबल भी जीती जानी कहीं पर, कांग्रेचुलेशन मैनचेस्टर सिटी। और कुछ बोलने को है भाई, मैं मैप भी नहीं कर रहा, और कुछ बोलने को है नहीं, बट अल्टीमेटली भाई द रीजन व्हाई आई डिफेंडेड टेन हैग मोर इज बिकॉज एंटनी ने खेला, लिजांड्रो ने खेला, उसकी दो बड़ी साइनिंग्स फाइनल में, समझ लो अच्छा सीजन यूनाइटेड को उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अगले सीजन मेंटालिटी बढ़ानी होगी, बट अल्टीमेटली सिटी भी बढ़ती रहेगी, तुमको पता, तो भाई यही सीन है भाई, दिस इज फुटबॉल, कांग्रेचुलेशन सिटी भाई, बाय।